आज हम बनाएंगे बॉम्बे मसाला सैंडविच। ये मसाला सैंडविच आप बहुत ही जल्द समय में बना के तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी जो सैंडविच है वो चटनी लगाने के बाद भी बिल्कुल सौगी नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बॉम्बे मसाला सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन गर्म करने के लिए रख दिया था और उसके अंदर डाल दिया है 2 से 3 चम्मच तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून सरसों। सरसों चटकने पर इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से करी पत्ता। यहाँ पर मैंने 8 से 10 करी पत्ता लिया है और थोड़ी सी हींग इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून के करीब हींग डाली है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम रखना है। अब डाल देंगे इसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट। अभी मेरे पास हरा लहसुन था तो मैंने वो इस्तेमाल में लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखा वाला लहसुन भी ले सकते हैं। तीखा आपको जितना पसंद हो उसके हिसाब से आप हरी मिर्ची की क्वांटिटी लें। यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली थी। इसे हम आधे से 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जब आप तड़के में मिलाते हैं तो उसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। आधा चम्मच यानी कि आधा टीस्पून इसके अंदर यहाँ पर मैंने गरम मसाला मिलाया है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो इसके अंदर हम उबले हुए आलू डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए थे। आलू को उबालकर थोड़ा ठंडा कर ले और फिर हाथों से ही इस तरह से मैश करके डालें। इसे आप मैशर से मैश ना करें, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो बहुत ही स्टिकी हो जाएगा। तो हाथों से ही हम आलू को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। ध्यान रहे कि आलू ज्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। अब नमक मिला देंगे स्वाद के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और आधा नींबू का रस इसके अंदर मिलाएंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब इसे आप मिक्स करें स्पैचुला से, तो अगर आपको लगे कि आलू का कोई टुकड़ा है जो बड़ा रह गया है तो स्पैचुला से आप उसे हल्का सा मैश कर लें। ये जो सैंडविच है उसमें इस तरह का आलू होता है तो ही खाने में बहुत बढ़िया लगता है। तो आप इसे हाथों से तोड़ के ही डालें, मैशर से मैश बिल्कुल ना करें और कद्दूकस तो कभी ना करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब तक ये हमारा मसाला ठंडा हो जाता है तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे और बनाएंगे बॉम्बे मसाला सैंडविच के लिए एक बहुत ही स्पेशल चटनी। ये चटनी बनाकर आप फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा कैप्सिकम लिया है, 6 से 7 हरी मिर्च ली है और हरा धनिया लिया है। कैप्सिकम डालने से क्या होगा कि हमारी जो चटनी है वो बहुत ही गाढ़ी बन के तैयार होगी और ज्यादा वो तीखी भी नहीं होगी। मैंने जो हरी मिर्च ली है वो ज्यादा तीखी नहीं है तो मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है। कैप्सिकम को भी हम इस तरह से टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। इस तरह से अगर आप सैंडविच के लिए चटनी बनाते हैं तो आपकी चटनी हमेशा बहुत ही गाढ़ी बनके तैयार होगी। कैप्सिकम के जो बीज है उसे हम निकाल देंगे और जो हरा धनिया है उसे भी हम इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, नमक मिलाएंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे। नमक यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून मिलाया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे 2 चम्मच। आप देख सकते हैं कि हमारी जो चटनी है वो बहुत ही गाढ़ी बनके तैयार हुई है। जब हम ये चटनी सैंडविच बनाते वक्त लगाते हैं तो इसमें पानी की मात्रा कम होती है और हमारी जो सैंडविच है वो सौगी भी नहीं होती है। तो चटनी तैयार करने के बाद इसे आप फ्रिज में रख दें ताकि इसका जो कलर है वो हरा का हरा बना रहे। साथ में यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, कैप्सिकम और ककड़ी और उसे पतले स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इस तरह से एक प्लेट के अंदर ब्रेड रखेंगे और उसके ऊपर बटर लगा देंगे। सबसे पहले हम ब्रेड के ऊपर बटर लगा देंगे। बटर लगाने से क्या होगा कि हमारी जो ब्रेड है वो फ्रीज हो जाएगी, यानी कि बटर रहेगा और उसके ऊपर जब चटनी लगाएंगे तो चटनी ब्रेड की जो बाहर वाली सतह है वहां पर नहीं जाएगी और हमारी जो ब्रेड है वो सैंडविच बनाने के बाद भी सौगी नहीं होगी। तो अगर आपको लंबे समय तक सैंडविच बनाकर रखनी है तो इस तरह से आप पहले बटर लगाए और फिर उसके ऊपर चटनी लगाए। ये चटनी थोड़ी सी स्पाइसी हो तो ज्यादा अच्छी लगती है, तो हो सके तो ये चटनी थोड़ी सी आप स्पाइसी बनाए। तो इस तरह से पहले हम सभी ब्रेड के ऊपर बटर और चटनी लगाकर तैयार कर देंगे। चटनी
चटनी को अच्छी तरह से चारों ओर लगाने के बाद हमने जो स्टफिंग तैयार किया था आलू का वो लगा देंगे। तो इस तरह से हाथों से फैलाते हुए आप अच्छी तरह से लगा दें, कोनों में भी आप अच्छी तरह से इसे लगाकर तैयार कर लें। तो दो ब्रेड की स्लाइस के ऊपर हम इस तरह का स्टफिंग लगाकर तैयार करेंगे। अब हमने जो ककड़ी, टमाटर और कैप्सिकम तैयार किए थे वो इसके ऊपर हम रख देंगे। अगर आपको प्याज पसंद है तो प्याज को भी आप पतली स्लाइस में कट करके यहाँ पर रख सकते हैं। बीट भी आप पतली स्लाइस में कट करके रख सकते हैं। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है उसे आप पतली स्लाइस में कट करके सैंडविच बनाने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर, ककड़ी और कैप्सिकम लिया था। अब थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। चाट मसाला आप जरूर डालें जिससे हमारी जो सैंडविच है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही एनहांस होगा। अब इसके ऊपर हम चीज को कद्दूकस करके डालेंगे। आपके पास अगर घर में चीज स्लाइस पड़ी है तो आप वो भी रख सकते हैं। और अगर आप डाइट कॉन्शियस है यानी कि हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कर रहे हैं, तो आप चीज को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्यूब इस्तेमाल में लिया था दो सैंडविच बनाने के लिए। अब इसे हम दूसरी स्लाइस रख कर कवर कर लेंगे और हाथों से हल्का सा प्रेस भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो गैस के ऊपर चलाने वाला टोस्टर आता है वो इस्तेमाल में लिया है सैंडविच बनाने के लिए। तो वैसे तो ये नॉनस्टिक होता है लेकिन थोड़े से अच्छे टेस्ट के लिए पहले हम इस तरह से बटर लगाकर इसे तैयार कर लेंगे और जो सैंडविच हमने तैयार की है वो इसके अंदर रख देंगे। ये नॉनस्टिक है तो अगर आपको बटर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बटर लगाने से क्या होगा कि हमारी जो सैंडविच है उसका बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगी। तो इस तरह से बटर लगाकर तैयार कर लेंगे और फिर उसे गैस के ऊपर हम ग्रिल कर देंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो गैस के ऊपर इसे हम उलटते पलटते हुए रखेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। 2 से 3 मिनट में हमारी जो सैंडविच है वो बनके तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं कि एक साइड ये अभी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, दूसरी साइड भी हम इस तरह से इसे कुक कर लेंगे। तो हमारी सैंडविच अभी बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए हल्की ठंडी होने दें और फिर ऊपर बटर लगाएं। बाहर जब हम सैंडविच ऑर्डर करते हैं बॉम्बे मसाला सैंडविच, तो इसी तरह से वो बनाई जाती है और उसके ऊपर बटर लगाया जाता है। थोड़ी सी जो हरी चटनी हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा चीज कद्दूकस करके डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी बेसन की छोटी वाली सेव। अब इसे हम कट कर लेंगे। जब भी आप इसे कट करें तो हल्के हाथों से चलाते हुए कट करें ताकि अंदर का जो स्टफिंग है वो बाहर ना आ जाए। तो अभी तैयार है हमारी स्ट्रीट स्टाइल बॉम्बे मसाला सैंडविच। आप ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ।